नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल लीगल आयुर्वेद पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर लकवा बीमारी के इलाज कैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से करें, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास कई लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ पैर टेढ़ा हो जाते हैं और उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लकवा को आयुर्वेद में पक्षाघात रोग भी कहते हैं। इस रोग में रोगी के एक तरफ के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं, साथ ही अंगों की दिमाग तक चेतना पहुंचाना भी निष्क्रिय हो जाता है और इस रोग की वजह से शरीर में गर्मी की कमी और कुछ याद रखने की क्रिया भी नष्ट हो जाती है। लकवा रोग में इंसान असहाय हो जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में लकवा के प्रभाव को कम करने के अनेक उपाय आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, लकवा एक घातक बीमारी है। इस रोग का उपचार आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से मिलता है। दोस्तों, आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का उपयोग करें। आपको जड़ी बूटी से जो लाभ होगा वो अंग्रेजी दवाओं से नहीं होगा। वीडियो पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपको मैं 10 प्रकार के घरेलू उपाय बताने वाला हूँ, जिसमें पहले नंबर पर आता है लकवा के इलाज के लिए आप दूध और छुहारा लीजिए। छुहारे को आप दूध में भिगोकर रोगी को देते रहने से लकवा ठीक होने लगता है। आपको इन दोनों मिश्रण का 6 दिनों तक सेवन करना है। इन दोनों मिश्रण रोगी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, दूसरे नंबर में आप लकवा के इलाज के लिए उड़द दाल और सौंठ को पानी में मिलाकर हल्की आंच में गर्म करके रोगी को रोज पिलाने से लकवा ठीक हो जाता है। तीसरे नंबर पर आप फलों के रस का सेवन करने से लकवा से जल्दी आराम मिलता है। इसके लिए आप नाशपाती, सेब और अंगूर का रस बराबर मात्रा में 1 गिलास में मिला लें और रोगी को देते रहें। कुछ समय तक इस उपाय को निरंतर करना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। इस रस को हर रोज पिलाएं। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों काली मिर्च और घी। तो दोस्तों, आपको इसको तैयार करने के लिए 1 चम्मच काली मिर्च को पीसकर उसे 3 चम्मच देसी घी में मिलाकर लेप बना लें और लकवा ग्रसित अंगों में इसकी मालिश करें। रोजाना इस विधि का सेवन करने से रोगी को जल्दी ही फायदा मिलेगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, लकवा के इलाज में करेला बहुत ही लाभदायक है। आप इसके लिए करेले के सब्जी और करेले के रस को रोजाना खाने अथवा पीने से लकवा से प्रभावित अंगों में सुधार होता है। दोस्तों, अगर आपको खाना खाने के समय प्याज खाने का शौक है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दें। अगर लकवे की बीमारी को ठीक करना है तो आपको प्याज खाते रहने से और प्याज का रस का सेवन करते रहने से लकवा रोगी ठीक हो जाता है। दोस्तों, लकवा से आराम पाने के लिए आप 6 कली लहसुन को पीसकर उसे 1 चम्मच मक्खन में मिला लें और रोजाना इसका सेवन करने से आपको इस प्रक्रिया से आपका लकवा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी कई चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है और इससे कई रोग ठीक हो जाते हैं। अगर आपको लकवा की समस्या है तो आपको इसके लिए तुलसी के पत्ते, दही और सेंधा नमक को अच्छे से मिलाकर उसका लेप करने से लकवा ठीक हो जाता है। यह उपाय को आप लंबे समय तक करें। दोस्तों, आप पानी में तुलसी के पत्ते को उबालें और उसका भाप लकवा ग्रसित अंगों को देते रहने से लकवा ठीक होने लगता है। दोस्तों, आपको लकवा के लिए एक तेल का प्रयोग करना है, जिसके लिए आप 1/2 लीटर सरसों के तेल में 50 ग्राम लहसुन डालकर लोहे के कढ़ाई में पका लें। जब पानी जल जाए उसके बाद उसे ठंडा होने दें। फिर इस तेल को छानकर 1 डिब्बे में डाल लें। इस तेल को आप रोजाना उसी अंग में मले जहां लकवा ग्रसित है। रोगी को जल्दी आराम मिल जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो में बताई गई किसी एक प्रक्रिया अपनाएं, आपको इससे भरपूर आराम मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।